मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं गंदा की शौगन उर्फ डाकू मलखान की। रात आधी से ज्यादा गई है आप क्या करना चाहिए, गंगा को बुलाना चाहिए क्योंकि मौका बहुत अच्छा है। और ये गंगा जग रही है, काहे बुला रहे हो गंगा? रात आधी से ज्यादा गई है गंगा चली आज तुम अपने घर। जाओ गंगा और सेठ जी आपका मुझ पे एहसान है, इसका बदला जो मुझ पर एहसान किया। मैं एक गरीब बेसहारा लड़की आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, इस एहसान का बदला भगवान जरूर चुकाए। एहसान हम करें, बदला भगवान चुकाए? अरे कब चुकाएगा, आज चुकाएगा, 10 दिन के बाद चुकाएगा? कहते हैं भगवान के घर दे रहे पर अंधेर नहीं है। अगर एहसान का बदला चुकाना चाहती हो तो मेरी बात सुनो, एहसान का बदला गंगा चुका दो, मुझे अपने सीने के फौरन लगा लो। चाहती हो? अरे बेशरम तू तो निकला कसाई और कहे ऐसा कलमा न पुछला। बुढ़े खोसट कहीं के, मैं तेरी बेटी जैसी, बेटी का है पोती जैसी हूँ, ऐसी बातें करते हो ये ऊपर से नीचे तक सब सफेद हो गए हो, ऐसी बातें करते तो शर्म नहीं आती? ना तो मेरे बहन है, ना कोई है बेटी, ना कोई है पोती, इसीलिए पहनता हूँ धोती। निर्वंश नहीं हो? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं गंगा, कोई नहीं दीवाना मेरे बेटा। अरे अरे बुढ़ा, अरे बुढ़ावा खूसट नाग से आ गया, हमको बचा ले। हम कहाँ भूल जाए, तुम हमारे नगवा साला आ जाए। बहुत डर लग रहा है, कहाँ है लौंडिया, कहाँ लौंडिया? अमेरिका धोती बंद अभी लौंडिया से मनोहर मंजन कर रहे थे, देख रहे थे देख रहे थे। अरे वो नाग सिंह आए, उससे पहले मैंने सोचा कुछ काम कर लूं। तुम मरे साले, कहाँ मरे रे नौकरवा? हाथ ना जोड़ो, समझ गए गंगा कहाँ है? गंगा गंगा गंगा, हाथ जोड़ो, कहाँ है गंगा? मर गई, मर गई, कैसे मर गई? आप ही ने कहा था गंगा को कमरे में बंद कर दो, वो कमरे के जल में दुपट्टा डाल करके खुदकुशी, मर गई। लाश कहाँ है उसकी? लाश को क्या करेगा? अरे अरे क्या लेकर आओ, चल। बोलिए गंगा कमरे में है, अभी तुमने कहा लेकर आओ, बैठाओ।
इससे अगर झूठ बोलेंगे तो हमको मार डालेगा। हम समझ गए ये साला नशे में है, जो कुछ करना धरता है वो सब सेठ दयाराम करेगा, वो भी आपकी दया से। ले संभालो परोखा जैसा माल। हम तुम्हारे प्यार में पागल हैं और प्रेमी भी, पागल प्रेमी आवारा आशिक मजनू दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं कि मुझको पसंद हो आज फिर मारा। यो डांस कर रहे कि गिलावा गूंज रहे यो यो पुरनिया डांस है सफेड़े वाला कैसा आदमी है रेनू है? जब कोई लौंडिया औरत देख लेगा क्या हो जाएगा तुझे? जब भी कोई लड़की देखू मेरा दिल दीवाना। तुम नाच रहे हो या साइकिल में है हवा भर रहे हो? बता रहे भैया पुरखा इंसान 78 वर्ष के हो गया। गंगा तुम्हारी याद में रुको जरा हम एक मिनट बात करना चाहते हैं। किससे? इससे। ये लौंडिया हमारा नूरानी चेहरा देख करके हम पर फिदा हो गई। हाँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा पहली दिल में रंग सुनहरा तेरी जवानी तौबर तौबा दिलबा। यो तुम नाच रहना चाहो इतना नाच हरी बात ये करना चाहती हूँ तुमने हमको बचाया क्या नहीं बचाया तुमको बचा करके कहा हम अपने लाठी तुड़वा लेते हैं पिटवाऊंगी तो आप देखो। ए नाग सिंह तुम्हारे जाने के बाद इस बुड्ढे ने जान तो क्या किया है? क्या किया? हमारा ऐसा कोई अंग नहीं जहाँ इतने हाथ नहीं लगाया, देखो क्या कर रहा। हमने कहा था कि गंगा को हाथ मत लगाना। पुरखा कुछ ना कहीं नहीं भैया बैठो। गंगा तुम्हारे प्यार में हम पागल है, एक बार मेरी बात मान जाओ मेरी जान। कितने इस्तेमाल लग रहे हो है इसकी बुढ़े की लवरा है तो हमारा दोस्त है हमारे कोई भी दोस्त हमरे सलीम बाबा है वो भी लबरा कम नहीं है सब लबरा। कितने कितने नाव गिनाए तुमको? सब लरहा है नहीं लबरा। तुम्हारी याद में तुम्हारी याद में अरविंदे हराम करो तुम्हारी
बैठेगी आपके पास पहनने के लिए और तुम सबसी जवान लौंडिया होती है छेड़ने के लिए। वो कहावत में क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो। कबीर दास कह रहे बाप जल्दी से चलो नहीं जाएगी। जाओगी बाबा आओ तुम हैया हैया करो बाबा। ठाकुर साहब मुनिम्मा सेठ जी तने हमरा बांधो रे तेरी धोती का पेट लग रहा है। अरे कांच लग रही कांच कांच पेट पीछे देखो पकड़े देखो पाछे लग रही कांच। अरे दयाराम ये सब जलाओ ले से हो। जब जलेबी हम खाए हैं जलाओ का बाबा के लगेगा। क्या कर रहा तू यार, ये शिकारियों जैसा बना बना करके तू इस हवेली में क्या कर रहा है, यहाँ घूम रहा है तू क्या है? हम आए थे होटल पे सरैया में। आओ सुनो दयाराम, ये साले क्या ले से घूम रहे हो, साले हाथ मिला रहे हो, हाथों में भी लगा है चिटाहट, ये क्या है क्या है, ये कौन सा बना बनाया घूम रहे हो यार? अरे यार होटल पसरिया हम मेला देखने आए थे। कपड़े गिर रहे थे वहाँ, एक हलवाई जलेबी बना रहा था, उधर बिल्ली बैठी थी और उधर कुत्ता बैठा था। अच्छा, अब बिल्ली कुत्ते को देख रही और कुत्ता बिल्ली को देख रहा। अच्छा, और जब ना बिल्ली को बर्दाश्त हुआ ना कुत्ते को बर्दाश्त हुआ, कुत्ते ने हमला बोल दिया, कुत्ता झपटा बिल्ली पर, बिल्ली भागी और वो कुत्ता बिल्ली पर नहीं, वो हलवाई जलेबी बना रहा था, वो कुत्ता वही जलाओ में गिरा कढ़ाई में। अच्छा, यही वो सब जल गया होगा, यही जलाओ है। अरे साले उर्द बहुं ये जलाओ है, ये क्या पूछ रहे हो, ये नाग कुत्ता 360 डिग्री का फोट है। ए,
मेरे भाई, मेरा दोस्त, मेरे क्लास फेलो, इसके साथ में हमने हया हया किया है। अच्छा, इस काम के लिए तीनों जने हम ई दूजरे मालूम है हम जूठन गुठन बटोरे हैं। अच्छा, इसके साथ बहुत बड़ा सालो सुनती आवाज हूं क्यों का। अबे सारी नक्शेबाजी पैरों के नीचे उतार दूंगा। दो लाख माँ का बहुत दो लाख की साला खुर्सत कहीं का। सालो लड़कियों को देख ले तो आंखों में चर्बी आ जाती है। इसका मतलब बर्दाश्त के बाहर बात हो गई। तुम हमारे दोस्त होते इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा अन्याय करोगे, यानी कि कन्याओं के साथ में जुल्म करोगे। ये कन्या क्या क्या बिगाड़ा था बताइए। इतनी होनहार लड़की है, इतनी होनहार लड़की, और बताओ साले इसकी इज्जत खाक में मिला दी। बहुत जलाल निकल रहा है। क्यों रे सालोल, तुम लड़की को छेड़ते हो। तुम्हारे कहने का मतलब लड़की होती छेड़ने के लिए, और कपड़ा होता पहनने के लिए, और रोटी होती खाने के लिए, और रिवॉल्वर किस लिए होता है, गोली चलाने के लिए। तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुम लोग बहुत पहले हरामी हो। पहले गोली मारूंगा। तुम लोग गुंडाई करते हो, लेकिन गुंडे करने का तरीका नहीं मालूम है। सबसे बड़ा गुंडा हम नहीं, सबसे बड़ा गुंडा होता है पुलिस वाला। वेरी गुड। एक शेर याद आया, किसी शायर ने कहा है कि कबीरा तेरे देश में, कबीरा तेरे देश में भाग भाग के लोग, अब हम हैं। कानून तो बनाते वहाँ खाकी वर्दी वाले, लेकिन कानून यहाँ चलाते हैं खाकी वर्दी वाले, वो भी अपने मन का। ये भी लड़की थाने का बोलते फया लिखवाती, तुम लोग कानून के लपेटे हाथ में आ जाते। इसीलिए कहते हैं कि जब ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी क्यूकर, और जब ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी क्यूकर। अब जाओ स्नान करो और शक्कर जी का ध्यान। वाह साहेब वाह, नमस्ते प्रिय। अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। सराफा से आ जाओ, वरना आप लोगों ने रात भर पूरी रात व्यतीत किया है। एक घंटे की बात है केवल, उसके बाद में खेल खत्म हो जाएगा। जाना फिर आखिरी रोज है, फिर शाम को आ जाना तुम लोग। वाह साहेब वाह, ये लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उसको गोली मार दिया। क्यों गोली मार दिया? चुप आप कैलाश शर्मा, इस टाइम सीनियर हम है जूनियर बनाओ, वरना जिस दिन मलखान सिंह को तुमने आरिश किया था उसी दिल से मुझे शक था, मगर आज मेरा शक यकीन में बदल गया। ये बात अभी एसपी साहब से बताते हैं और तुमको फांस के तक पिछड़ा दो। चाहता कि मेरा नाम निशुंड लोहा है, मैं जिस इंसान के छू जाऊं तो क्या हो जाती टेटनस सेन की मौत। हम वो जहरीला नाग हैं जो डरते नहीं सीधा निकल जाते हैं। स्टाफ पे तुम भी हो, उसके तो सारे का सैनी पे मारा है, और तुम्हारे इतनी लाल डाल करके पिछवाड़े कर दूंगा फायर। अगर ये बात कहीं खुल गई, अरे वो बात हम पे छोड़ दो, ये बात कहीं खुल गई तो तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को शारदा नहर में डाल देंगे, और तुम्हारी औरतें जो मटल्ली है उसके साथ हाइया हाइया कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जाओ इलाज को गटर में डाल दो। नहीं नहीं नहीं, गटर में बैठो ना फंस जाएंगे कानों में। इसको सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो।
और बात हम मनाते हैं। अब देखो कहां पे मैं खंभा गाड़ता हूं, कहां पे लाइन खींचता हूं, कहां पे बल्ब जलाता हूं। अब ये मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं एसपी महोदय के पास। पुलिस अधीक्षक जयपुर, मैं इंस्पेक्टर लोहा आपके पास ये प्रार्थना पत्र भेज रहा हूँ। ये मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में कैलाश वर्मा नाम का एक कांस्टेबल था। उसने एक भेमरिया में गंगा नाम की लड़की थी, उसके साथ में रेप कर दिया। उस लड़की ने जब शोर मचाया तो शोर की आवाज सुनकर के पहुंचे वहां पर सेठ दयाराम और वहां नाग सिंह। उन लोगों जब ये मामला देखा तो हमारे पास फोन किया, यानी मैं इंस्पेक्टर लोहा, मेरे पास फोन किया। हम वहां पर जब जायजा लेने के लिए पहुंचे तो वो हमको देख करके भागने की कोशिश किया तो हमने गोली चला दिया। मैंने सोचा कि इसको जख्मी कर दूं, भागने ना पाए, और गोली उसके सीने पर लग गई, इसलिए उसका मर्डर हो गया है। और उसने सबूत मिटाने के लिए जो गंगा नाम की लड़की थी उसको भी जान से मार दिया। ये मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए आपका प्रभारी आज्ञाकारी इंस्पेक्टर लोहा। वाह यार वाह, अरे तुम तो माटा होने ना दियो। ये एप्लीकेशन पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचाना चाहिए। अगर जरा से भी गड़बड़ी होगी तो तुम्हारी तरहटी में गोली मार दूंगा। हाँ कुड़ भी कहते हैं कि फोड़ा पकने से पहले ही फोड़ देना चतुराई है। फोड़ा पकने से पहले फोड़ देना चतुराई है, तुम्हारे लिए हक में बुराई है। आ जाओ स्नान करो और शंकर जी का ध्यान करो। जय शंकर। और सुनो, तुमने कहा 2 लाख अकाउंट में आना चाहिए, तुम्हारे लिए 3 लाख, वरना बुढ़ापे में साले हड्डी तोड़ डालूंगा, हड्डियां जुड़ेंगी नहीं। हमसे साहब 160 रुपया ले लेंगे। तू साले भिखारी साला अलाय बलाय, हमने कुछ गड़बड़ किया है। ये कुंवारी लड़की थी, ऐसी हो जाती कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया। हमने कुछ गलत नहीं किया। कहा बता रहे हो, बहुत बुरा की हो, हमरे बारे में छुदुर बुदुर मत करो, वरना फरिया से लेकर बिस्मा तक निकलोगे कोई नहीं। हर एक साइकिल चेक करूंगा, मोटरसाइकिल की तो बात छोड़ो। मैं हो सुने नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। क्या हाल हो तो देख, हालत और तेरी दिल परेशान है, देख हालत। कुछ ना पूछिए भैया, कुछ ना पूछिए, मेरे
मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा गंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दुश्मन है वो सब मेरे, दुश्मन है वो सब मेरे, पहुंच जाओ का जुल्म गांव से मिटा दे रहा।